लेकिन राष्ट्रपिता बापू यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आज हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका पाठ पढ़ाया हुआ आज भी हमें याद है। लेकिन ये पोस्टर, ये बैनर जो आप देख रहे हैं, बड़ा होल्डिंग, ये अभी चुनाव आचार संहिता के दौरान लगाया गया था। हम दिखा रहे हैं आपको बहुत करीब से, ये करीब से यूनिपोल लगाया गया है। अभी इसके बोल्ट नट नए हैं, मिट्टी खोदी गई है और इस तरीके के यूनिपोल शहर में रातों रात गाड़े गए हैं। ये किसने गाड़े हैं, कौन लगवा रहा है यूनिपोल, कब हुई थी इसकी कमेटी की बैठक, क्या है इसकी प्रक्रिया, ऐसे ही और आपको हम अपने कैमरे की नज़र से यूनिपोल दिखा रहे हैं। मेरे कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे आप, अयूफा चौकी चौराहे के पास चारों तरफ जिधर निगाह दौड़ेगी उधर होल्डिंग ही होल्डिंग दिखाई देंगे। इनमें से कितने वैध है, कितने अवैध, इसकी जांच लगातार चल रही है। लेकिन जांच के नाम पर जितनी ईमानदारी बरती जा रही है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और फिर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के नाम पर बताते ही अवैध तरीके से यूनिपोल यहाँ पर लगा दिया गया। इसकी जांच की जाए तो असलियत सामने आएगी। आइए चलते हैं बरेली के और दूसरे स्थानों पर। मेरे पीछे गेट एंट्री है, गेट एंट्री प्रसाद सिनेमा के ठीक सामने लगी है गेट एंट्री। अभी दिन की रोशनी में भले इसमें लाइटें न जलती हो, लेकिन शाम होने के बाद इसमें लाइटें जगमगाती हैं, लाइटों से जगमगाता है ये गेट एंट्री। सवाल ये उठता है कि गेट एंट्री में लाइटें लगी हुई हैं, बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया है या नहीं, नगर निगम के रिकॉर्ड में इस गेट एंट्री में लाइटों वाले रेट लिए जा रहे हैं या सादा वाले ले जा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाले की तरफ संकेत कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें, इन इमारतों पर भी लगे हुए हैं विज्ञापन के बोर्ड। और हनुमान मंदिर देख रहे हैं, लाल रंग का हनुमान मंदिर, उसके ठीक सामने ओबराय होटल की भवन है, इसके ऊपर भी होल्डिंग का ढांचा लगा हुआ दिख रहा है। अभी विज्ञापन का फिलहाल कोई साइन बोर्ड भले ही ना हो, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी इमारतों के ऊपर भी विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाते हैं। बताते तो ये है कि शहर में विज्ञापन के नाम पर भारी गोलमाल हो रहा है और ये गोलमाल बड़ी सेटिंग से हो रहा है। इसमें बड़ा लोगों का हाथ है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। जांच के नाम पर केवल खानापूरी हो रही है। अब देखते हैं कि सत्य उद्घाटित होगा नहीं, नगर निगम में लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुँचाने वाले वो लोग कौन है, ये नगर आयुक्त की जाँच में ही सामने आ पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार, घोटाले और गड़बड़ियों की लंबी दास्तान समेटे इंदिरा मार्केट के टीन के खोके कई लोगों के लिए सबब महंगाई अब मुश्किल का सबब बनने जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने जांच की थी, सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच की, शासन को रिपोर्ट भेजी गई। अब बताते हैं विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस की टीम भी बहुत जल्दी बरेली पहुँच रही है, तमाम लोगों से बयान लिए जाने वाले हैं कि आखिर उन्हें टीन के खोके रातों रात कैसे मिल गए, टीन के खोके देने वाला कौन था, सरकारी जमीन पर बगैर नियम कानून की प्रक्रिया का पालन किए हुए फेरी नीति को दरकिनार करके ठेंगा दिखा के किसने आके सरकारी जमीन पर कब्जा करा दिया। सामने बड़े बड़े नेताओं की छवि रखी गई, उनके हाथों से चाबियां बांटी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नगर निगम के पार्षद के बेटे को भी खोका दिया गया है, मानी चुप रहने के लिए, विरोध ना हो इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी, बंदोबस्त किया गया था। हालांकि जांच का विषय है, जांच लगातार चल रही है, निचले स्तर पर जांच हो चुकी है, बताते हैं बड़े स्तर पर अब जांच की तैयारी है। हालत यह कि अभी तक आचार संहिता जरूर खत्म हो गई, लेकिन दुकानदारों को अब तक उनकी रसीद नहीं मिली है, जितने पैसे लिए गए थे उनसे एक भी लिखित में लेटर नहीं मिला है। ऐसे में कैसे मान लिया जाए दुकानें सब वैध हैं, अगर कार्रवाई होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्दी नगर निगम में जिस प्रकार की आपसी राजनीति चल रही है उसका कहीं ना कहीं मोरा, कहीं ना कहीं खामियाजा इन निरीह दुकानदारों को भुगतना पड़ सकता है।
जिन्होंने मोटी मोटी रकमें दी हैं और दलाल उस पैसे को डकार गए हैं। हालांकि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने जब शिकायत आई थी पहले ही आगाह किया था दुकानदारों को कि किसी को कोई भी रुपया रिश्वत ना दें, अगर कोई पैसे मांगे तो उसको जूते दिए जाएं। यानी महापौर की बेदाग छवि को भी यहाँ पर दागदार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि इस गड़बड़ी घोटाले और भ्रष्टाचार में कौन कौन चेहरे सामने आते हैं। हम दिखाते हैं आपको कि दुकानें खुलने के बाद इंदिरा मार्केट का हाल कैसा रहता है। देखिए, वही इंदिरा मार्केट है जिसमें पोर्टेबल शॉप के नाम पर 3 के खोके लगाए गए थे रंग बिरंगे, कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे। ई रिक्शा के पीछे एक तरफ खोके लगे, जिला पंचायत रोड के गेट के सामने मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। सामने सुलभ शौचालय है, जूम करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सुलभ शौचालय आप देख रहे होंगे, इसका उद्घाटन बीते दिनों महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम ने किया था। और ये 3 के खोके बड़ा ज़बरदस्त रहस्य समेटे हुए हैं कि किसने ये खोखे बनवाए थे, किसने रखे थे। नगर निगम के और तमाम गड़बड़ झालों के बारे में क्या बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विपुल लाला, हम वो भी आपको सुनवाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं विपुल लाला को। किया जाएगा किन कौन कौन लोग उनके लिए अधिकृत होंगे, किन किन लोगों को खोखा दिया जाएगा, इस टाइप की कोई भी कार्य योजना कार्यकारिणी या नगर निगम बोर्ड से तो बनी नहीं है, क्योंकि कार्यकारिणी से कोई भी चीज़ जो तय होती है वो नगर निगम बोर्ड में आती है कार्यकारिणी के बाद, और इस तरह की कोई भी कार्यप्रणाली कार्यकारिणी से बोर्ड में नहीं आई है। रेट बता रहे हैं 75,000 से लेके कई कई लाख रुपए तक एक एक खोखे के एवज में दिए गए हैं, क्या चर्चा ऐसी आपके संज्ञान में कुछ है, ऐसी आई है कुछ? मैं समझता हूँ कि जो 75,000 रुपए खोखे की बात है ये केवल एक मिथ्या है, और मेरी तो जहाँ तक जानकारी में है वहाँ तक इन खोखों की कीमत शुरू में तो 4 लाख और 5 लाख थी। जिसने दूसरी बार में इन खोखों को बेचा वो कीमत 8 से 12 लाख हुई, और कुछ जानकारी में आया है कि अब तो कीमत उनकी 15 से 20 लाख रुपए तक है। जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से और आप जिला पंचायत की ओर जाएंगे इंदिरा मार्केट में तो जो शुरू की 4 दुकानें इधर और 4 दुकानें उधर, उनके रेट पूरे मार्केट में सबसे अधिक हैं, जो दुकानें 20-20 लाख रुपए में दी गई हैं। क्या ये पैसा जो दुकानदारों से 3 के खोके जिसे पोर्टेबल शॉप कहा जा रहा है देने के बाद क्या कहीं राजस्व सरकार के किसी खजाने में पैसा जमा हुआ है, ऐसी कुछ जानकारी आ रही है आपके पास? ये किसी भी सरकारी खजाने में कोई आज तक पैसा जमा हुआ है ये तो मेरे को कोई जानकारी है नहीं कि डूडा ने जमा करा है। नगर निगम में तो किसी प्रकार का कोई पैसा जमा हुआ नहीं है। ये एक कोई निजी फर्म जो कुछ चहेते पार्षद जो माननीय महापौर जी के हैं वो चला रहे हैं, किस तरह की क्या स्कीम है, पार्षदों को क्या करना चाहिए या क्या ना करना चाहिए, पार्षद उसमें इन्वॉल्व हैं, ये सोचकर मुझे दुख होता है, क्योंकि पार्षदों को इस तरह के कृत्यों में पड़ने का काम ही नहीं है, कि पार्षदों का काम किसी भी वित्तीय कार्य को करने का अधिकार नहीं है। मेंबर साहब, एक और चर्चा चल रही है बीते दिनों शहर में यूनिपोल लगने की बाढ़ सी आ गई है, क्या यूनिपोल किसी कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में उनके रेट तय हुए हैं, कितनी दूरी पर लगने चाहिए, किसकी क्या कमेटी होगी, क्या प्रक्रिया होगी, रातों रात यूनिपोल लग रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी आपकी निगाह में आई है क्या कुछ? ऐसा है, देखिए पिछले जब बोर्ड में इस तरह के प्रस्ताव आए थे तो उस पर यूनिपोल को लेकर चर्चा हुई थी और मैंने उसकी शिकायत भी की थी, और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कम से कम 80 मीटर होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि शायद निर्धारित नहीं है। गाँव गाँव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।